नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा लाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे फिल्टर यानी हाइड्रोलिक फिल्टर्स। ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको इनको जिस नाम से हम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं, वही नाम से क्यों बोलते हैं, एक उसकी बात हम करेंगे। नंबर दो, ये किस मटेरियल के बने होते हैं, और नंबर तीन, हम इसके अंदर जो है अपना ये कितने कितने माइक्रोन में होते हैं और इनको जिस जगह पे लगाते हैं वहाँ पे लगाने का क्या बेनिफिट है। दोस्तों, ये चार पांच चीज़ें जो हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। इससे पहले कि दोस्तों मैं बात आपको वीडियो में ये कुछ बातें बताऊं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर्स की। सबसे पहले दोस्तों, हाइड्रोलिक में जो हम फिल्टर यूज करते हैं उसका ग्राफिक सिंबल जो होता है वो ये होता है। अभी इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फिल्टर्स कितने हैं। ये सबसे पहले मैंने जो दिया है सक्शन फिल्टर, नंबर दो पे दिया है प्रेशर लाइन फिल्टर, नंबर तीन रिटर्न लाइन फिल्टर, नंबर चार ऑफ लाइन फिल्टर, नंबर पाँच अदर क्लीनिंग फिल्टर्स। यानी अदर क्लीनिंग फिल्टर के अंदर क्या है कि कुछ सब असेंबली सब पार्ट है, यानी एयर ब्रीदर विद ऑयल फिलिंग पोर्ट और अकेला ऑयल फिलिंग पोर्ट। तो दोस्तों, ये मैंने पांच कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। इनको पांच कैटेगरी में हम क्यों डिवाइड करते हैं ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये यूजेज, इनको हम जो इनका यूज होता है ना, ये सर्किट के अंदर जहाँ पे हम लगाएंगे वो उसी नाम से इसको दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं रिटर्न लाइन में लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सक्शन लाइन में लगा रहा हूँ, या यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ, आपका लाइन फिल्टर की, तो ये प्रेशर लाइन में मैंने लगा दिया। मैंने एक दिखाने के लिए आपको मैनिफोल्ड बनाया है और शॉर्टकट में ये सिंबल यहाँ पे लगाए हैं। तो अभी दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सक्शन फिल्टर की। तो आपका जो सक्शन फिल्टर है वो सक्शन फिल्टर कैसा होता है, सबसे पहले मैं आपको पिक्चर में भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे हाथ में अभी जो देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये अपना जो सक्शन फिल्टर होता है वो सक्शन फिल्टर की ये पिक्चर है। नंबर दो दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो अपना लाइन फिल्टर, या जिसको हम प्रेशर लाइन फिल्टर भी बोलते हैं, या कुछ लोग इसको जो है इन लाइन फिल्टर भी बोलते हैं। तो ये इन लाइन फिल्टर की जो है अपनी पिक्चर हो गई। नंबर तीन पे दोस्तों, मैंने जैसे लिखा भी है रिटर्न लाइन फिल्टर, ये अपना रिटर्न लाइन फिल्टर हो गया दोस्तों। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एक पे यहाँ पे गेज लगा है, एक पे इलेक्ट्रिक स्विच लगा है, इसको भी मैं बताऊंगा जब इसका नंबर आएगा रिटर्न लाइन फिल्टर का। ये आप देख पाएंगे कि रिटर्न लाइन फिल्टर की पिक्चर है। अभी दोस्तों, इसके बाद आप देख रहे हैं कि पांच नंबर पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे अदर क्लीनिंग फिल्टर, उसके अंदर देखेंगे आप एयर ब्रीदर विद ऑयल फिलिंग पोर्ट। तो इसमें दोस्तों, इससे जो नीचे का भाग है वो ऑयल फिलिंग पोर्ट हो गया, इससे ऊपर का भाग जो है वो एयर ब्रीदर है। अब अकेला एयर ब्रीदर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसके अंदर ऑयल फिलिंग पोर्ट नहीं होता है, ये ओनली एयर ब्रीदर है। अभी इसके बाद देखेंगे तो ये ओनली ऑयल आपका पोर्ट है। तो दोस्तों, ये छह पिक्चर मैंने आपको दिखाई है जो मुख्यतः हम यूज करते रहते हैं और इंडस्ट्री में देखते भी रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे अपना जो सक्शन फिल्टर है, इसको सक्शन फिल्टर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पंप और टैंक के अंदर, जहां से हम टैंक के अंदर से जो पाइपलाइन पंप के साथ जोड़ते हैं, यानी पंप की इनलेट लाइन जो जुड़ती है उसको सक्शन लाइन बोलते हैं। सक्शन लाइन के अंदर जो हम फिल्टर लगा देंगे तो इसलिए उसको सक्शन फिल्टर बोलेंगे। कुछ लोग इसको सक्शन स्ट्रेनर बोल देते हैं, कुछ लोग इसको सक्शन फिल्टर बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा हो गया सक्शन फिल्टर, क्योंकि सक्शन लाइन में लगा है इसलिए इसको सक्शन फिल्टर बोल दिया। अब दोस्तों, दूसरे में मैंने बोला है प्रेशर लाइन फिल्टर, यानी अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगा करके और मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये अपना हो गया प्रेशर लाइन फिल्टर, क्योंकि यहाँ से और यहाँ बीच में पंप और मैनिफोल्ड के बीच में प्रेशर जनरेट होगा जब हम रिलीफ वाल्व इसमें ऐड करके और इसका सिस्टम प्रेशर लेंगे, तो ये प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ ये हो गया आपका प्रेशर लाइन फिल्टर। अब दोस्तों, अगर हम इसके बाद भी एक फिल्टर और लगा सकते हैं, रिटर्न लाइन फिल्टर, यानी जो जब सारा आपका सिस्टम ऑपरेट हो गया, यहाँ पे आपके सिलेंडर लगे हुए हैं, सपोज करो आगे आपके सिलेंडर लगे हुए हैं और वो सब
आपका एक एक वाल्व से जुड़े हुए हैं, तो वो जो तेल यहाँ से जाएगा और जा करके सिलेंडर से ऐसे रिटर्न आएगा, वो ऑयल जो जा करके और आपकी रिटर्न लाइन में से होकर के और टैंक में गिरेगा। जब वो टैंक में गिरेगा, अगर हमने वहाँ पे फिल्टर लगा दिया तो उसको हम बोलेंगे रिटर्न लाइन फिल्टर। तो ये तीनों फिल्टर तीन जगह पे लगते हैं, इसलिए इन तीनों का नाम सक्शन फिल्टर, प्रेशर लाइन फिल्टर और रिटर्न लाइन फिल्टर हो गया। अब दोस्तों चार नंबर पे मैंने आप लोगों को दिखाया है ऑफलाइन फिल्टर। ऑफलाइन फिल्टर जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम यानी बहुत बड़ा टैंक होता है, 1000 लीटर, 1500, 2000 लीटर, तो वहाँ पे हमें क्या है कि इन तीन फिल्टर के अलावा हमें एक फिल्टर की और ज़रूरत पड़ती है जो अलग से सेपरेटली फिल्टर करता रहे ऑयल को, तो इसलिए हम उसको ऑफलाइन फिल्टर करते हैं, कह देते हैं, क्योंकि वो इस हमारे सिस्टम के अंदर कहीं भी नहीं आएगा। जब वो सिस्टम में नहीं आएगा तो वो ऑफलाइन अपना एक साइड में वर्किंग करता रहेगा, इन केस वो बंद भी हो जाता है तो सडनली आपका कोई ब्रेकडाउन नहीं आने वाला, तो इनमें से अगर कोई चोक हो गया तो तुरंत आपका ब्रेकडाउन आ जाएगा, यानी आपकी मशीन तुरंत बंद हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ऑफलाइन फिल्टर की, तो वो अगर आपने लगाया हुआ है तो उसको यानी उसकी मोटर है, पंप है, या वो फिल्टर चोक होता है तो आपका सडनली जो है मशीन बंद नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऑफलाइन भी हम एक सिस्टम में डाल देते हैं ताकि आपका ऑयल जो है फिल्टर होता रहे, पार्टिकल जो है फिल्टर पे चिपकते रहे। अच्छा दोस्तों, इसके बाद क्या है, मैंने बोला था अदर क्लीनिंग फिल्टर। अदर क्लीनिंग फिल्टर की बात करेंगे हम एयर ब्रीदर। ठीक है, एयर ब्रीदर जो है अपना, वो जहाँ से हम ऑयल डालते हैं उसके ऊपर ही एक पॉइंट लगा रहता है, उसको एयर ब्रीदर बोल देते हैं। जो जो उसके अंदर जाली होती है, जो बाहर की एयर जो हमारे टैंक में एंट्री करती है, वो जब टैंक में एंट्री करता है तो डस्ट पार्टिकल साथ में ना जाए, उसको फिल्टर करके एयर को अंदर उसमें देता है। ये एयर क्यों एंट्री करती है मैं उसकी बात बाद में करूँगा। एयर ब्रीदर विद ऑयल फिलिंग पोर्ट, यानी एयर ब्रीदर भी है और उसके साथ अगर ऑयल फिलिंग पोर्ट, जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया था, अगर आपका वो भी उसके साथ लगा हुआ है जैसा पिक्चर में दिखाया था मैंने, तो उसके अंदर से हम ऑयल डालते हैं, उसमें एक जाली लगी रहती है, तो ऑयल जो आप डाल रहे हो नया ऑयल, तो वो भी फिल्टर होकर के जाएगा। अगर हो सकता है उसमें बड़े पार्टिकल है तो उसको वहाँ पर रोक लेगा वो। इसके बाद ऑयल फिलिंग पोर्ट, यानी जो मैंने अभी अभी बताया आपको ऑयल फिलिंग पोर्ट की क्या वर्किंग है, ओनली ऑयल फिलिंग पोर्ट भी होता है, उस पर ब्रीदर नहीं होता है, या ब्रीदर का एक पॉइंट अलग से दिया रहता है, ऑयल फिलिंग पोर्ट एक अलग से दिया होता है, दो पॉइंट होंगे फिर उस पर। तो ये तो दोस्तों मेरा है, इसके मैंने मोटा मोटा बताया आपको कि कहाँ पे जो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बारीक बारीकी से कि एक एक पॉइंट पे सक्शन फिल्टर का क्या वर्क है। सक्शन फिल्टर का दोस्तों देखो, अगर आपने सक्शन फिल्टर नहीं डाला तो क्या इम्पेक्ट आने वाला है, सबसे पहली बात ये। तो अगर सक्शन फिल्टर आप नहीं डालोगे तो सबसे पहले आपके पंप को ख़राब करेगा। अगर आपके ऑयल में डस्ट पार्टिकल है या अदर पार्टिकल है, जो कि कहाँ से आएंगे मैं बताता हूँ आपको। अभी क्या है कि अगर वो पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे तो इसको डैमेज करेगा पंप को सबसे पहले, और उसके बाद अगर आगे का फिल्टर नहीं है तो आगे भी करेगा। अगर आगे आपने फिल्टर लगा रखा है और सक्शन फिल्टर नहीं है, तो उस केस में आपका ओनली पंप को ख़राब करेगा। पंप को ख़राब क्यों करेगा, क्योंकि अभी हम जो सक्शन फिल्टर लगाते हैं वो अलग अलग कंपनी, जैसे कि आप रेक्सोरथ की बात करोगे 300 माइक्रोन तक भी यूज करती है, और अगर हम पार्कर की बात करते हैं तो वो 25 माइक्रोन से लेके और 200 माइक्रोन तक यूज करती है, और यूकेन की बात करेंगे तो वो उनका स्टैंडर्ड है 130 माइक्रोन में वो सक्शन स्ट्रेनर बनाती है, सक्शन फिल्टर बनाती है। तो दोस्तों यानी जिस माइक्रोन का आपने इसके अंदर डाला है तो उतने माइक्रोन के पार्टिकल ये रोक लेगा, तो आपके पंप को खराब होने से बचाएगा। एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर पंप जो है, पंप के अंदर क्या होता है कि जो आपका रोटरी वेन पंप है तो रोटरी लगी है और उसका जो बॉडी यानी रोटरी के अंदर जो वेन घूम रही है, तो वहाँ पे 5 माइक्रोन के लमसम आपका जो है, 5 माइक्रोन का ही उसके अंदर जो होता है वो उसमें क्लियरेंस होता है, क्योंकि रोटरी जो है स्प्रिंगेबल होती है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है तो वो दब जाता है जहाँ पे कोई पार्टिकल आता है, तो धीरे धीरे वो पार्टिकल उसमें फंस के और उसको काटना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम सक्शन स्ट्रेनर डाल देते हैं ताकि 130 माइक्रोन, 150 माइक्रोन से ऊपर के पार्टिकल पंप में ना जाए और पंप को ख़राब ना करें। और 25 माइक्रोन का हम जहाँ पे पिस्टन पंप होते हैं अपने, वहाँ पे अगर हमें डालना पड़ा तो हम 25 माइक्रोन तक का भी सक्शन स्ट्रेनर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अब मैंने बताया माइक्रोन में कितना होता है। दूसरा, ये सक्शन स्ट्रेनर जो होता है अपना स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील की जो मेस यानी जाली होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है, और ये क्लीनेबल होता है, आप इसको क्लीन कर सकते हो। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेशर लाइन फिल्टर की, तो दोस्तों ये जो बीच में हमने यहाँ पे दिखाया है, अगर आपने ये लगा रखा है
तो ये तो आपके ओनली पंप को बचाने वाला है, लेकिन अगर आपने ये नहीं लगाया है तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है? अगर प्रेशर लाइन फिल्टर नहीं लगाया है तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में चला जाएगा जो डस्ट, यानी 125 माइक्रोन तक का जो डस्ट था, ये तो 125 माइक्रोन का लगा रखा है, तो 125 माइक्रोन तक का डस्ट तो आगे जाएगा, वो जाकर के क्या करेगा, जो आपकी वाल लगी हुई है, क्योंकि वाल जो हमारे यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो वाल जो है 25 माइक्रोन क्लियरेंस तक का ही होता है, 25 से 30 माइक्रोन हम यूज़ कर रहे हैं, कोई 35 माइक्रोन का होता है, इससे ज़्यादा हम क्लियरेंस देते नहीं है वाल के स्पूल में। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि वो जो हमारा डस्ट है, अगर आपका ये नहीं लगा हुआ है तो वो इस वाल को ख़राब करेगा, क्योंकि नीचे हमने 130 माइक्रोन का लगा दिया, इसने क्या करा, पंप को तो सेव कर दिया, बट आगे सिस्टम में जो है उनकी जो क्लियरेंस है वो कम होती है, तो वहाँ पे हमें प्रेशर लाइन फिल्टर देने की ज़रूरत होती है। तो अब अगर आप ये नहीं लगाते तो उनको जाम करेगा, स्टक करेगा, और फिर वो पार्टिकल जो है आपके टैंक में आ जाएंगे, टैंक से फिर यहाँ से चलता रहेगा ऐसे। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे भी अपने को वो लगाना होता है, ताकि यहाँ से जो ऑयल आया है अगर वो पार्टिकल है वो रोक लेगा फिर, और कम माइक्रोन में करके और आपके जो है मैनिफोल्ड में या आपके जो वालों के द्वारा जो है सिलेंडर को चलाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या है कि रिटर्न लाइन फिल्टर, और रिटर्न लाइन फिल्टर भी आपका 25-30 माइक्रोन में हम यूज़ करते हैं। अभी जो सक्शन स्ट्रेनर था आपका, सक्शन स्ट्रेनर जो आप एसएस की जो अपनी मेस होती है उसके अंदर विद साथ में फाइबर, जो अगर आप बात करेंगे तो फाइबर टाइप का एक पेपर जैसा होता है वो उसके अंदर बीच में लगा होता है, तो वो 25-30 माइक्रोन में फाइबर का जो फिल्टर है वो यूज़ करते हैं हम मेस, एसएस की मेस के साथ में, तो वो तब ये आपका जो है प्रेशर लाइन फिल्टर बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिटर्न लाइन फिल्टर की, तो रिटर्न लाइन फिल्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों, पेपर होता है, एक पेपर आता है फिल्टर बनाने के लिए, तो वो 25-30 माइक्रोन का हम पेपर यूज़ करते हैं, ये यूज एंड थ्रो होता है, इसको आप क्लीन नहीं कर सकते पेपर वाले को, एक बार कि आप इसको यूज कर लोगे क्लीन करके कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर या फाइबर नहीं है, बट ये भी एक आध बार आप यूज कर सकते हो फिल्टर क्लीन करके, बट ये भी यूज एंड थ्रो होता है, ये भी यूज एंड थ्रो होता है। तो इनके प्रेशर लाइन फिल्टर और रिटर्न लाइन फिल्टर का जो एलिमेंट होता है उसको आपको निकाल करके फेंकना ही होता है, उसको क्लीन करके नहीं चलने वाला वो। तो अभी दोस्तों क्या है कि इसका मैंने वर्किंग बता दिया, अब रिटर्न लाइन फिल्टर जो है वो यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसे लोग बोलते हैं कि रिटर्न लाइन फिल्टर निकाल दो, अपना मशीन चलता रहेगा, चलो ठीक है आपने यहाँ पे माइक्रोन रोक लिए इसमें जाने के लिए, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल आपके इसके अंदर से ऑयल घूम करके और यहाँ गिरेगा, तो जो इस एरिया में डस्ट पार्टिकल पैदा होंगे वो सीधा रिटर्न लाइन फिल्टर नहीं होगा तो सीधा टैंक में आ जाएगा, और टैंक उठा करके क्या करेगा, सक्शन लाइन को चॉक करेगा, सक्शन फिल्टर को, अगर ये नहीं लगाया तो फिर आपके इसको फिल्टर को चॉक करेगा और पंप पे भी इफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए तीनों फिल्टर का अलग अलग इम्पोर्टेंस ही है, अलग अलग रोल है, इनको आप वहाँ पे लगा सकते हो, और नहीं यूज करोगे तो क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, यानी जहाँ से आपके जो कंटेमिनेशन यानी ऑयल के अंदर जो पार्टिकल आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, एक तो टैंक से आ ही सकते हैं, जो हम नया ऑयल भी डालते हैं तो उसके अंदर भी पार्टिकल आते हैं, अगर आपका लोहे का ड्रम है तो उसके अंदर क्या है कि पुराना हो गया ऑयल तो पड़े पड़े उसमें रस्ट लग जाता है, वो रस्ट भी इसके अंदर एंट्री कर जाएगा पंप में, पंप के द्वारा फिर सब जगह पहुंच जाएगा। अब अगर आप ये वाला नहीं लगाते हो तो क्या होगा कि पंप के द्वारा जो पंप की मेटलिक पार्टिकल पैदा होंगे पंप के अंदर, कैसे होंगे, क्योंकि पंप के अंदर जो रोटरी लगी है वो जब घूमती है तो कुछ ना कुछ वो भी घिसता है, जब वो घिसता है तो उसके कुछ माइक्रोन के पार्टिकल वो भी अंदर जाएंगे यहाँ पे। अब आपका ये फिल्टर उसको रोकता है, अगर ये नहीं है तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर चलो ये भी है और ये नहीं है तो क्या होगा, जो आपकी सिलेंडर के अंदर वाल के अंदर ओरिंग है, रबड़ की जो आपकी सील है, ठीक है, तो ये जो सीलें होती है ये सीलें भी आपकी वियर एंड टीयर होती रहती है, सिलेंडर के अंदर जब चलता है तो उसकी होनिंग वाला सरफेस जो होता है, जो पॉलिश जिसको बोल देते हैं, वो भी घिसता रहता है, आपकी पिस्टन रोड है वो भी घिसती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल बनते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए एक एक फिल्टर्स का रोल है, सारे फिल्टर्स आपको डालने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम एयर ब्रीदर, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यों यूज करते हैं, इनके अंदर भी रिटर्न लाइन फिल्टर या सक्शन फिल्टर ये सब चीज़ें हम यूज कर सकते हैं उसमें भी। अब उसके बाद क्या है कि एयर ब्रीदर, दोस्तों एयर ब्रीदर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे,
अभी अगर ये देखोगे आप, यहाँ पे मैं एक टैंक बना देता हूँ, ऐसे मैंने टैंक बना दिया। अब आपने क्या करा है कि यहाँ पे ऑयल डालने के लिए एक रास्ता छोड़ दिया है, क्योंकि आपको ऑयल डालना है तो रास्ता तो छोड़ना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे आपका गेज लगा हुआ है और ऑयल आपने इसमें डाल रखा है। अब सपोज करो कि आपका इतना ऑयल है इसमें, अब यहाँ पे अगर आपने पंप दे रखा है, तो ये जब पंप आपके किसी सिलेंडर को चलाता है तो क्या होगा, इसके बीच में वाल लगे हुए हैं, यहाँ से अगर आपका ऑयल इसमें जाता है, तो जब ये ऑयल इसमें जाएगा तो ये आपका ऑयल जो है इसके अंदर रिटर्न भी आता है। तो अभी जब ये ऑयल आपका जा रहा है तो ये एरिया ज़्यादा है, और आगे अगर ये रोड लगी है इसमें तो ये एरिया सपोज करो कि आधा है। तो यहाँ से इसको भरने में तो सपोज करो 10 लीटर लग रहा है, लेकिन आगे से 5 लीटर तेल निकल रहा है बाहर। तो 5 लीटर जो कम हुआ है, 5 लीटर के एरिया जब अगर ऑयल निकलेगा इस टैंक में से एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, एरिया, एयर का एरिया जो है बढ़ जाएगा, यानी ऑयल डाउन जाएगा तो ऊपर से जो है एयर एंट्री करेगा। यहाँ पे एयर एंट्री करेगा तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे एयर ब्रीदर नहीं लगाया है तो क्या होने वाला है, आपका डस्टी एयर आएगा, यानी जिसके अंदर रस्ट है, इन्वायरमेंट में जो अपना डस्ट पार्टिकल है वो सारे के सारे इसके अंदर टैंक में आ जाएंगे और वो तो तेल में घुलते चले जाएंगे। अब अगर आपका आपने रिटर्न जा रहा है, इधर से ये रिटर्न आ रहा है, तो इधर से तो 5 लीटर भरना है, इधर ये 10 लीटर निकलेगा तो वापिस जाएगा ऐसे, तो एयर बाहर भी निकलनी है, ऐसी फिर अंदर आती रहती है, जाती रहती है। तो इसलिए आपका एयर ब्रीदर बहुत ज़रूरी है। अगर एयर ब्रीदर नहीं है तो वहाँ पे भी आपका, मैं कह रहा हूँ, अगर नए से नया तेल भी डालते हो तो 15 से 20 दिन में वो भी रस्टी हो जाएगा, उसके अंदर भी 20-25 माइक्रोन 30 माइक्रोन के डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये ऑयल पिलिंग पोर्ट है, नया तेल डालते हैं तो वहाँ पे नए तेल के अंदर कोई रस्ट है तो उसको रोकने के लिए हो गया। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है कि फिल्टर का क्या रोल है और फिल्टर कितने माइक्रोन में यूज़ करते हैं और फिल्टर किस मटेरियल के यूज़ करते हैं और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, मुझे आशा है दोस्तों ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन भाइयों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।